आज का ये वीडियो खास ऐसे बच्चों के लिए है जो मेंसुरेशन चैप्टर को थोड़ा प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं। 3D के हेल्प से कहीं ना कहीं चीजों को समझना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। आज एग्जैक्टली हम किस छोटी सी क्वेश्चन की बात करने वाले हैं उसे आपने थंबनेल में देखा, जिसे आप अभी अपने स्क्रीन में भी देख सकते हो। तो आप देखो ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या है। तो ये एक हेमिस्फीयर है, आप देख सकते हो, और ये एक नॉर्मल सा सिलेंडर है। बाय द वे इन दोनों को जॉइंट करके एक बना दिया गया है। तो इस केस में इस ये जो टोटल फिगर है या जो टोटल स्ट्रक्चर है, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी और सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितने होंगे, हमें यही पता लगाना है। तो चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा मैथ्स में अप्रोच को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। तो देखो ये हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का मैं फॉर्मूला लिखना चाहूंगा वॉल्यूम के लिए। चलिए पहले वॉल्यूम के लिए काम कर लें क्या। अच्छा, वॉल्यूम थोड़ा सा आसान होता है एज कंपेयर टू सरफेस एरिया। तो देखिए पहले तो वॉल्यूम को हटा देते हैं समझ करके। देखो जब ये जॉइंट था तो टोटल जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर जो होता है 2/3 πr³ प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, और सिलेंडर की वॉल्यूम की फॉर्मूला आप सबको मालूम होनी चाहिए, πr² h होती है। तो बस यही है, इसमें और कुछ बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस शेप जो भी ये है, इसकी जो वॉल्यूम होगी वो इतने के बराबर होगी। हाँ, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो आर है वो अलग अलग होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम किसी एक को कैपिटल आर कर देते हैं तो ये बेहतर माना जाएगा। अगर मैं इसकी रेडियस को कैपिटल आर मानता हूं तो यहां मुझे कैपिटल आर लिखना होगा, और इसकी जो रेडियस है वो अलग होगी तो मैंने इसे स्मॉल आर कंसिडर किया। तो आप ऐसा ही करोगे, ये बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया की। अब इस चीज को समझना काफी ज्यादा मजेदार होगा, तो इस चीज को समझाने के लिए मैं वन बाय वन करके समझाऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो हेमिस्फीयर है इसकी टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला कितनी होती है, टोटल सरफेस एरिया, और ये फॉर्मूला होती है 2πr² + πr² कैसे, ये कैसे आए मैं बता देता हूं। देखो ये जो कर्व है ना, ये कर्व वाला जो सरफेस है इसकी होती है 2πr², और ये जो प्लेन फ्लैट आप देख रहे हो बिल्कुल, इसकी जो होती है वो होती है πr², राइट। अब बात करते हैं इसकी टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया ये है हमारे पास सिलेंडर, तो इसकी बात अगर करें तो इसकी जो कर्व होती है ना वो होती है 2πr h, और इसमें ऐड हो जाएगा 2πr², ठीक है। ये देखिए ये πr² है और ये भी तो πr² है, तो यहां दो बार हम πr² को ऐड कर देंगे, तो πr², और ऐसा हमें दो बार ऐड करना है। लेकिन यहां फिर से बताना चाहेंगे कि ये दोनों जो रेडियस है ये दोनों अलग अलग है, तो इस चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं फिर से यहां कैपिटल आर करना चाहूंगा या कुछ और करना चाहूंगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, राइट ना। ये TSA का मैंने फॉर्मूला लिखा, और प्लस के फॉर्म में इसलिए मैंने लिखा सो दैट कि ये क्लियर हो जाए कि ये कर्व सरफेस एरिया है, राइट ना, ये कर्व सरफेस एरिया है, और ये कौन सा हो गया, ये प्लेन सरफेस एरिया हो गया इन केस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और ये ऊपर वाला तो आपको मालूम है हेमिस्फीयर का है। अब देखो काफी आसानी से आगे काम को आप कर पाओगे। देखो जब ये बिल्कुल ऐसे सटा हुआ था तो ये जो बीच वाला कुछ हिस्सा है ये तो हाइड हो गया होगा, इसका भी ये हिस्सा हाइड हो गया होगा, और इसका भी एक हिस्सा यानी कि कुछ हिस्सा हाइड हो गया होगा। अब देखो इस चीज को काफी आसानी से आप समझ सकते हो, इसमें ऐसा रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है। तो इस पोर्शन को छोड़ दें दोनों का, यानी कि जब इसको हम सटाएंगे ऐसे करके, तो इन दोनों पोर्शन को छोड़ दें, तो इसके अलावा सारा का सारा जो है वो एज यूजुअल है। तो अब इस चीज को कैसे लिखोगे TSA को, जरा आप ध्यान देखो, मैंने लिखा TSA, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसकी रेडियस को मैंने कैपिटल R कंसीडर किया है और इसकी रेडियस को स्मॉल R कंसीडर किया है। तो अब अगर मुझे ये जो टोटल ये जो भी स्ट्रक्चर है इसकी जो टोटल मुझे सरफेस एरिया निकालनी है, तो सबसे पहले मैं इसका ये कर्व को लूंगा, ठीक है ना। ये ऊपर वाला जो कर्व आप देख रहे हो इसकी बात करते हैं, तो इसकी सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, 2πr², एम आई राइट। इसकी चलिए बात खत्म करते हैं। अब इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे इसकी, ये जो आप कर्व देख रहे हो, ठीक है, और ये किसका है, सिलेंडर का है, तो सिलेंडर का CSA कितना होता है, 2πr h, ठीक है, यहां r हमारा स्मॉल होने वाला है, तो 2πr h। आई होप ये चीज क्लियर होगा, यहां से भी आप देख सकते हो, राइट। तो चलिए इस चीज को भी हमने इंगेज कर लिया। अब इसकी बात कर लें क्या, तो इसकी सरफेस एरिया कितनी होगी, ये आप देख सकते हो ना, इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो इसकी सरफेस एरिया होगी πr², ऑब्वियस सी बात है, तो πr² लिख लेते हैं। अब इतना तो सिंपल था, देखो इन तीनों के हेल्प से मैंने इसे लिखा ये वाला जो है और ये वाला है, लेकिन अब भी एक चीज बच रहा है और वो
कोई और नहीं बल्कि ये वाला एरिया है, आप देख सकते हो ना। तो क्या आप बता सकते हो इसकी एरिया कितनी होनी चाहिए? क्या आप समझ गए हो? इसकी एरिया होनी चाहिए पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसके एरिया से अगर इतने को हम माइनस कर दें, इसके वाले को माइनस कर दें, तो देखो ना जो दिख रहा है उसी की तो बात करनी है हमें, इस पे रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है। तो इसकी जो एरिया होगी वो इतनी होगी, मैं लिख देता हूं, देखो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, जहां एक बार मैंने लिखा कैपिटल आर को और दूसरी बार मैंने लिखा स्मॉल आर को। तो देखो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो वीडियो में बैक जाकर के चीजों को समझने की कोशिश करो और इस स्ट्रक्चर को देखो, सारी बातें आपको यूं ही क्लियर हो जानी चाहिए। तो आई होप इस वीडियो में बताई गई छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।